अब यहाँ पर ये सिचुएशन है कि एक स्टूडेंट है, उसके दो पेपर हो चुके हैं और दोनों पेपर का उसको स्कोर भी मिल चुका है। एक में 62 आया, एक में 48 आया। अब उसको जो टोटल स्कोर चाहिए वो फर्स्ट डिवीजन के हिसाब से 60% से ज्यादा होना चाहिए। तो अब उसके साथ सवाल ये कि जो तीसरा पेपर उसका होना है, उसमें उसको कम से कम कितने मार्क्स आने चाहिए ताकि उसका जो टोटल स्कोर है वो 60 या 60+ हो जाए, 60+% हो जाए, एवरेज 60 आ जाए। दैट इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से देखते हैं आप। नाउ इन द नेक्स्ट कमिंग पेपर, हाउ मच मिनिमम स्कोर शुड दिस पर्सन अचीव सो दैट द टोटल एवरेज ऑफ द थ्री पेपर्स बिकम्स मोर देन 60। तो हम मान लेते हैं, लेट द स्कोर बी एक्स, ठीक है, देन एवरेज इज 62+48+ एक्स अपॉन 3। ऐसे मीन निकालते हैं, तीनों का सम करके 3 से डिवाइड कर देते हैं। अब ये क्या होना चाहिए, ये जो चीज है ये 60 से ज्यादा होनी चाहिए। दिस शुड बी मोर देन इक्वल टू 60। यू हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स सो दैट द एम इज अचीव्ड। सो मल्टीप्लाई बाय 3 हियर, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। नाउ दिस इज 62+48 इज 110, 110 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 180, और एक्स शुड बी मोर देन इक्वल टू 180-110, दैट इज 70। सो द स्कोर द पर्सन शुड एक्वायर शुड बी मोर देन इक्वल टू 70। उसको 70 से ज्यादा नंबर लेने पड़ेंगे ताकि एवरेज उसका 60 हो जाए। दैट इज द क्वेश्चन। समझ में आया बेटा?